الله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آج کی اس مبارک مجلس میں سلسلہ وار فضائل علم کی دو احادیث طیبہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. علم میں ایک روشنی ہے, دنیا کا سفر ہو یا آخرت کا سفر, یہ روشنی کے بغیر طے نہیں ہو سکتا. اصل میں علم کا سرچشمہ ہمارے اور آپ کے خالق و مالک کی ذات پاک ہے, اللہ رب العالمین علیم ہے, علام ہے. اللہ کو عالم کہنا جائز نہیں ہے. عالم بندہ ہو سکتا ہے, اللہ کو عالم نہیں کہا جا سکتا. یہ چھوٹا لفظ ہے, عام لوگوں کے اعتبار سے یہ بڑا لفظ ہے. عالم ہونا بہت بڑا لفظ ہے. گزشتہ جمعے کے درس میں آپ نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے, حتیٰ کہ مچھلیاں دریاؤں اور سمندروں میں عالم دین کے لیے دعائیں کرتی ہیں, اور ہم اپنی ضروریات زندگی میں ہمیشہ ہی علماء کے محتاج رہے ہیں. حلال حرام یہی بتا سکتے ہیں, نیکی بدی خیر و شر میں تمیز ان کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی. بلکہ آپ کو ایک بڑی مزے کی بات سناتا ہوں. ساری مزے کی باتیں ہیں, آپ کو کہنا چاہیے ایک بات نہیں, ساری مزے کی باتیں.
जब जन्नत ही जन्नत में चले जाएंगे, दोज़ख ही दोज़ख में चले जाएंगे। दुआ करें अल्लाह हम को उस उम्र में शामिल फरमाए जो नबी की गुलामी में जन्नत के रास्ते पर चले। तो अल्लाह करीम अहले जन्नत से फरमाएंगे, कुछ तलब करो, कुछ मांगो। जन्नत ही अर्ज करेंगे, या रब करीम हमें थोड़ी मोहलत दे, हम अपने उलमा से पूछ कर फिर तलब करेंगे। यानी उलमा से पूछेंगे कि रब ने हमें हुक्म दिया है, मांगो, क्या मांगे तुम बताओ। तो पता ये चला कि दुनिया में भी हम उलमा के मोहताज हैं, जन्नत में भी हम उलमा के मोहताज होंगे। आलम दीन की हम कदर करें न करें अलग बात है, अल्लाह के घर में बड़ी इज्जत है। अगर किसी मस्जिद में, बादशाही मस्जिद में, फैसल मस्जिद में आपके मुल्क का वजीर आजम हो, सदर ममलिकत हो, सफे बन जाए तो आगे तो सदर नहीं ना जाएगा, वरीज आजम जो है मुसल्ले पर तो नहीं ना जाएगा, मुसल्ले पर कौन जाएगा। तो अल्लाह के घर में किसकी इज्जत है, तो तुम भी अपने घरों में इनकी इज्जत समझा करो। किसी, मेरी नसीहत याद रखो, अपने मसलक के किसी आलम की कभी तनकीज तोहीन न करो, सोचो ही नहीं ये फला आलम ने ये कहा है, फला आलम ने ये कहा है, कहो वो आलम है, हम आलम नहीं, वो हमसे बेहतर समझते। किस्सा मुख्तसर, खाम खा अपनी जबान को स्याह करना और बाएं फरिश्ते को लिखने के लिए मौकिया देना, इसका कोई फायदा नहीं। मेरी नसीहत याद रखेंगे, एक गुनाह बड़े गुनाह से बच गए। अरे सारी मखलूक जिसके लिए दुआएं कर रही है, तू अपने घर में बैठ कर बदगोई कर रहा है, तू बेहतर है कि वो बेहतर है। मुझे याद आ रहा है खलीफा वक्त हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह, जो खानदान नबुव्वत से है, आलिम थे, और ये चिराग बुझ जाए तो आदमी चल नहीं सकता। देखा अंधा डंडा लेकर टो कर चलता है, न शेबो फराज का पता नहीं है, कोई खतरे वाली चीज से बच नहीं सकता, आगे गड़ा है। ये चश्मे रोशन हो, आंखों में नूर हो, तो फिर किसी मोहताजी की जरूरत नहीं है। इसी तरह समझ लो कि दिल में, सीने में इलम का नूर हो, वो फिर आजादी से दुनिया में चलता है। काश हमारे हुक्मरान भी इल्म वाले होते, फिर तेरी परेशानियां सारी खत्म हो जाती। वो खुद समझते कि कौम का, रियाया का हम पर क्या हक है, हम यूं ही कुर्सियों पर बैठे हैं कि इनका कोई हक भी है। उम्र फारूक को अल्लाह पाक ने ये इल्म दिया था, सिद्दीक अकबर को दिया था, खुलफाए राशिदीन नबी के जो जानशीन हैं उन्हें इल्म मिला था। वो सारी रात गश्त करके गरीबों, मस्कीनों, फकीरों के हालात दरियाफ्त किया करते थे। खलीफा हारून रशीद ने दावत की, किसी मुल्क के बादशाह की नहीं, एक आलम दीन की, और थे वो नाबीना, वो आलम दीन नाबीना थे। दावत की, खाना हो गया, हाथ धुलाने का वक्त आया। सुन्नत तरीका है, खाना खाने से पहले भी हाथ धो, खाना खाकर भी हाथ धो। ये टिश्यू इस्तेमाल करने, ये सुन्नत तरीका नहीं है, साफ करने। और ये भी मसला समझा दूँ, ये तीन उंगलियां हैं, तीन उंगलियां जिनके साथ खाना खाया जाता है, एक अंगूठा साथ वाली, फिर उसकी साथ वाली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीन उंगलियों के साथ खाना तनावल फरमाते थे, समझे। ये तो माँ सबक पढ़ाए, अब्बा घर में बच्चों को सबक पढ़ाए, अब बूढ़े हो गए हम भी, आप भी आज सबक पढ़ रहे हैं, खाना कब से खाते चले आ रहे हैं। जब खाने से फारिग हो जाए, मेरे नबी का तरीका समझो, इस उंगली दरमियान वाली को हजूर पहले चाटते थे, फिर साथ वाली को चाटते थे, फिर इसको चाटते थे। ये चाटना उंगलियों का मेरे रसूल की सुन्नत है। चलो पहले नहीं पता चला, आज तो पता चल गया ना। मेरी मजलिस इन्हीं फवायद के लिए होती है,
मैं कोई इल्मी शख्सियत नहीं हूँ, मैं तुम्हारे दिलों में अपने रसूल के प्यारे तरीके उतारना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ मौला करीम हमारी हालत को बदल दे, हमारे दिल को बदल दे, हमारे ख्यालात बदल दे, हमारी तरजीहात बदल दे। ऐ अल्लाह हमारा सब कुछ ही बदल दे, वो बना दे जो मोहम्मद का पसंदीदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे नबी पसंद फरमाए। अबू जहल को नहीं पसंद फरमा रहा है, अबू लहब को नहीं पसंद फरमा रहा है, शैबा रुतबा को नहीं पसंद फरमा रहा है, सरदाराने कुरैश को नहीं पसंद फरमा रहा है, हबशी से आने वाले हबशी को पसंद फरमा रहा है। अल्लाह में ऐसा बना दे तेरा नबी पसंद फरमा रहा है, ऐसी शक्ल हो, ऐसी सूरत हो, ऐसा जाहिर हो, ऐसा बातिन हो, ऐसे अखलाक हो, ऐसे अमाल हो, ऐसी सीरत हो, ऐसा किरदार हो, ऐसा चलना फिरना हो, ऐसे मुआमलात हो, ऐसी इबादात हो, जाहिर बातिन में मेरे नबी का नूर फैला दे। आमीन कह दो, आमीन। हो सकता है कबूलियत का वक़्त हो सकता है कबूलियत का वक़्त हो। मेरा अल्लाह बड़ी कुदरतों वाला है, जिस पर नज़र करम फरमाता है नबी की गुलामी में दे देता है। आज सुनो मेरी दोस्त एक बात, आज बात कह रहा हूँ ये पहचानना हो मैं अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा हूँ कि नहीं, मैं रसूलुल्लाह की जनाब में कौन सी सीट पर बैठता हूँ, तो फिर समझ ले अगर सारे आमाल नबी के मुताबिक हैं तो खुदा की कसम और रसूलुल्लाह की पहली कुर्सी पर बैठा हूँ। मेरा नबी बड़ा लजबाल है, बड़ा करीम है, अल्लाह भी करीम है, वो अपने पसंदीदा बंदों को पसंद करके नबी को दे देता है। अब इन पर तुम काम करो। कहा ईरान, ईरान से सलमान एक को चुन लिया रब ने और कहा नबी को दे दिया, कहा इस पर तुम काम करो। नबी ने भी कैसा काम फरमाया, फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत, ये सलमान फारस का नहीं है, ये सलमान ऐसा नहीं है जिसका नसब मालूम नहीं, ये आज से मेरे अहले बैत में से है। सुभान, कुछ काम किया ना, काम किया, हाथ धुलाने का वक्त आया। एक और भी सबक याद कर, ये मेरे सुल्तानुल मशायख का फरमान है, ख्वाजा महबूब इलाही का मकाम। आप फरमाते खाना शुरू भी नमक से करो, खाना ख़त्म भी नमक पर करो, ये थोड़ा पहले चख लो। और फिर आपने ये भी बताया है इस तरह नहीं चखना, बल्कि इस दो उंगलियों को मिलाकर थोड़ा लेकर चख लो और खाना खाने के बाद भी इस तरह थोड़ा चख लो, ये याद उनकी आ जाएगी ना। हाँ, यार की याद में कितनी लज्जत है, कितना लुत्फ है, कौन समझे, जिसके अंदर दर्द हो वो समझता है। हम बेदर्द लोग हैं, हमें क्या पता। कोई मजनू से पूछे, जंगल में बैठा है और जमीन पर लैला 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 लिख रहा है उंगली के साथ, न कागज है, न कलम है, न दवात है, न कोई पढ़ने वाला है, न कोई समझने वाला है। कोई मुसाफिर गुजरा, पहचान लिया कि ये मजनू है। मजनू क्या कर रहे हो, देख लो लैला का नाम लिख रहा। उन्हें कहा लैला का नाम लिखेगा तुम्हें क्या फायदा, कोई खत तो नहीं के पहुंच जाएगा। गुफ्त मश्के नाम लैला मी को नम खातर खुदरा तसल्ला मी दे हम, मैं लैला का नाम लिख लिख कर अपने दिल को तसल्ली और इत्मीनान दे रहा हूं। याद की याद इत्मीनान कल्ब का जरिया है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, इसका मैं ये माना है, याद की याद इत्मीनान कल्ब का जरिया है। एक मुजरिम पकड़ा गया, बादशाह ने कहा इसे कोड़े मारो, उसे कोड़े मार रहे थे, वो हंस रहा था। जल्लाद ने कहा तुझे कोड़े लग रहे हैं, दर्द नहीं हो रहा, उसने कहा नहीं दर्द हो रहा, इंसान है कि पत्थर है, कहा इंसान हूं, दर्द क्यों नहीं रहा, कहने का सामने मेरा यार खड़ा है, मैं उसे देख रहा हूं, उसके तसव्वुर में मुझे एहसास ही नहीं है। और दोस्तों एक बात सुनो, मोमिन की शान बताऊं, जब वक्त आखिर आता है मेरे नबी अपना जलवा दिखाता है, ईमान, ईमान की कसम, खुदा की कसम, ईमान से बात कर रहा हूं, जब नबी के जलवा देखता है रुख ज़ेबा पर नजर पड़ती है, यार सामने आता है, फिर फरिश्ता आसानी से जान कब्ज़ कर ले, पता ही नहीं जी। ये दीदार की, ये लज़्ज़त की बातें हैं। अगर इस बात को समझना हो तो फिर कुरान है,
कुरान है कुरान, इससे आगे तो कोई किताब नहीं, न तौरात है न इंजील है न ज़बूर है न सोफ़े इब्राहिम है न सोफ़े मूसा है, कुरान आखिरी किताब, कोई किताब नहीं आएगी। ईमान है ना कि नहीं, तो बड़ी किताब है ना, ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त। अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, मैंने तेरा दीन मुकम्मल कर दिया। इस किताब के बाद कोई किताब नहीं, और नबी हमारे नबी के बाद कोई नबी, इस उम्मत के बाद कोई उम्मत। हजूर से दो उंगलियां मिलाकर आना वसा का हाथ है, मैं और क्यामत इस तरह, यानी क्यामत से पहले मैं हूँ, मेरे बाद क्यामत है, दरमियान में किसी नबी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आना वसा का हाथ है, एक दरबा दुस्सा वन शक्ल कमर, चांद टुकड़े हो गया, क्यामत करीब आ गई। अब हम इंतजार में हैं, क्यामत की निशानियां सब जाहिर हो रही है। कुरान हमें बताएगा कि छुरी चल रही है, उंगलियां कट रही हैं, खून बह रहा है, यूसुफ के जमाल पर नजर है, दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा। समझ गए, अब मेरी बात मुकम्मल हो गई। मैंने कुरान के हवाले तुम्हें कर दिया, कुरान ने संभाल लिया। यार के देखने वाले इश्क व मोहब्बत में अले कोड़े खाते हैं, और नहीं देखा सिर्फ दिल में याद है हजरत बिलाल की, कोड़े लग रहे हैं, पत्थर गर्म पर मिटाया जा रहा है, रेत गर्म पर घसीटा जा रहा है, क्या कहते हैं अहद, वो कहते छोड़ दे ये कहना हमारे बुतों को मान, कहते बहुत मान लिया कुछ नहीं मिला, अहद बस एक ही है, सुभान अल्लाह। अहद और अहमद दोनों लिखो तो फर्क तो मीम का ही है ना, दोनों लिखो अहद अहमद, फर्क किसका है, और इस मीम की गुंडी में सारा कुछ है। मीम ही मोहब्बत है, मीम ही मगफिरत है, मीम ही मस्जिद है, मीम ही मुसल्ला है, मीम ही मिंबर है, मीम ही मेहराब है, मीम में सब कुछ है, नहीं समझे, इसी मीम में मोहब्बत है। आहद आहद सब बुतों की नफी, एक अल्लाह एक अल्लाह, कोई और नहीं है, न जमीन में ना आसमानों में ना फर्श पर ना अर्श पर, अल्लाह अकबर। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने नाबीना के हाथ खुद धुलाए, खलीफे वक्त है, उन्हें नजर नहीं आ रहा, उन्हें नजर नहीं आ रहा कि मेरे हाथ कौन धुलाए, नजर आते तो माजरत करते, हजरत आप क्यों तकलीफ फरमाते हो, ये खादिम थोड़े हाथ धुलाने वाले। सुभान अल्लाह, अखलाक सीखने चाहिए मुतकद्दमीन से, सलफ सालहीन से, बुजुर्गाने दीन से, क्या अखलाक सिखा रहे हैं, और ये सुन्नत तरीका है। मेरे किबला ने फरमाया, शेखुल हजरत सुल्तानुल मशायख ने फरमाया कि ज़ियाफ़त के अहकाम में से ये हुक्म है कि मेज़बान मेहमान के हाथ खुद धुलाए, खाए बड़ाई क्यों ना हो, बड़ाई क्यों ना हो। वो हाथ धुलाने की बात आ गई, बात आ गई, ये हदीस इंशाल्लाह अगले जुमे जिंदगी हुई तो बात चल निकली, और पहुंची कहां, बगदाद में, किन के पास, शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के पास रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये हजूर गौस आजम के खलीफा और नायब है, आप तो फिर अंता आखिरुल मशहूरीन फिल इराक, इराक में, बगदाद इराक में है ना, इराक में तेरे बाद कोई तेरे मर्तबे का नहीं होगा, गौस आजम ने फरमा दिया। शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने हद कर दी है, और मुलाकात करने के लिए कौन गए, एक दरवेश गया जिसका, जिसके नाम का डंका अर्श पर भी बजता है, और उसे फरीद 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 कहते हैं। मुलाकात हुई, खाने के लिए हाथ धुलाने का वक्त आया, वुजू कराने के लिए,
حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے اپنی لونڈی سے فرمایا کہ حضرت کیا وضو کراؤ، لوٹا بھر کے لائی، آپ نے اس لونڈی کی طرف ایک نظر دیکھا اور دیکھنے کے بعد نظر آسمان کی طرف کر دی، وہ ہاتھوں پر لوٹا پانی کا سارے کا سارا ڈال چکی، ابھی ہاتھ مکمل نہیں ہوئے، دوڑ کر گئی ایک اور لوٹا بھر کر لائی کہ حضرت کے ابھی تو ہاتھ ہی مکمل نہیں ہوئے، سارا وضو کرانا ہے، آ کر پھر ہاتھ پر پانی ڈالنا شروع کر دیا، آپ ہاتھ مر رہے ہیں اور نظر آسمان پر لگی ہی ہے، دوسرا لوٹا بھی ختم ہو گیا۔ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کا تم نام لیوا ہو، تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کس مرتبے کس مقام کے تھے۔ آج کا وہ ملا جو ان کے پاس جانے سے روکتا ہے، خدا کی قسم وہ تو ان کی گلی کے کتوں کی خاک بھی نہیں بن سکتا۔ کسی کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے، یہ اکثریت، اس ملک کی اکثریت مشائخ سے وابستہ ہے۔ تو بن گئے ملا ٹھیک ہے، وضو نماز کے روزے بتا، ہمارے مشائخ کے متعلق بات ہم نہیں سن سکتے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے دیکھا، فرمایا کہ ابھی وضو نہیں آپ نے فرمایا، یہ وضو کیا فرمانا ہے، آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور میں پانی بھر کر لے جاتی ہوں، لوٹا ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا تیری قسمت سنور رہی ہے، جلدی جا، بھر بھر کر لے جا، بھر بھر کر لے جا، بھر بھر کر لے جا۔ سبحان اللہ۔ پھر میں سناؤں آپ کو، لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تجھ بھانڈا بھرنا، شام پئی بن شاہ محمد گھر جاندی نے ڈرنا۔ تم بھی بھر لو، وقت ہے، وقت ہے، بھر لو، وقت گزرتا دیر نہیں لگاتا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، غنیمت سمجھو، تھوڑی دیر کے بعد نہیں، کافی دیر کے بعد آپ کا وضو مکمل ہوا۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے عرض کی، حضور والا آج تو بڑا ہی لمبا وضو ہو گیا، سبحان اللہ۔ میں ایک دفعہ بھیر شریف حاضر ہوا، قبلہ ضیاء الکرم مسجد میں عصر کی نماز کے بعد ختم خواجگان پڑھ کر بیٹھے تھے، بہت سے طلباء بھی بیٹھے تھے، مجھے بڑا منظر نورانی نظر آیا، چہرے نورانی، اور میں وہاں عصر کے بعد ختم شریف پڑھا جاتا ہے، سیال شریف زہر کے بعد پڑھا جاتا ہے، چشتیاں شریف بھی عصر کے بعد پڑھا جاتا ہے، ختم خواجگان ہے، فرصت کے وقت زہر کے بعد عصر کے بعد پڑھ لیا جائے۔ میں نے جب مسواک استعمال کیا تو تھوڑا دانتوں سے خون آ گیا، میں بار بار کلی کرنے لگ گیا، اور ادھر بھی دیکھ رہا تھا، آپ مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ فارغ ہو کر آئے ملاقات کرو تو پھر ہم نے اٹھنا بھی تو ہے نا، آپ میری وجہ سے بیٹھ گئے اور بیٹھے ہی رہے، میں کلی کرتا رہا، خون بند نہیں ہوتا تھا، خون نہ بند ہو تو وضو نہیں ہوتا، وضو نہ ہو اللہ والے سے ملاقات نہیں ہوتی۔ ایک اور نسخہ بھی اب میں تمہارے سفر کر رہا ہوں، یہ کتاب مقدس ہے، قرآن مقدس ہے، بے وضو ہاتھ لگانا منع ہے، ولی اللہ کو بھی بے وضو ہاتھ لگانا منع ہے، نہیں مسافہ کر سکتے، احتجاج کالج میں پروفیسر نہیں بتائے گا، اور ہمارے پاس بھی نہیں آئے گا تاکہ ہم اسے سبق دے دیں کہ اپنے بچوں کو سمجھایا گیا، کیونکہ وہ خود ماشاءاللہ بڑی ڈگریاں رکھتا ہے، اس سے کیا ضرورت ہے مسجد کے ملا کے پاس جانے کی، لیکن جو نسخہ میرے رب کا ہے وہ مسجد کے ملا کے پاس ہی ملے گا، یونیورسٹیوں میں نہیں ملے گا۔ یہ انگریز کے تعلیم کے ادارے ہیں، رسول اللہ کی تعلیم کا ادارہ مدرسہ ہے۔ خوش، ہاں، کسی نے ایک بہت خوبصورت کہا ہے، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے کہ در و بود کی لوکال محمد۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب باوضو ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے پوچھا، حضرت آج بڑا لمبا وضو ہو گیا ہے، ہاں تو میں اپنی بات تو پہلے کر لوں نا، میں بھی کسی شمار میں آ جاؤں۔ جب کافی دیر کے بعد خون رکا، میں نے وضو کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مسواک کی توفیق عطا فرمائے۔
इस मस्जिद में जो जुमा पढ़ने वाला है पक्का, एक तो कभी आ गए किसी ने कहा वहाँ जुमा पढ़ो, या पढ़ना ठीक है जी यहाँ पढ़ लेते हैं, एक जिस तरह आप शौक शौक के साथ 12:30 बजे अजान होती तो आप माशाल्लाह मस्जिद का हाल फुल हो जाता। इन लोगों से दो चीज़ों की मैं बड़ी ज़बरदस्त तलब करता हूँ जी, झोली नहीं, जेब नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, अल्लाह तुम्हें नसीब करे, तुम्हारे माल में बरकत अता फरमाए, कारोबार में बरकत अता फरमाए, नहीं मैं दो चीज़ें तलब करता हूँ, दो चीज़ें। कौन है जो मेरी ज़रूरत को पूरा करे? एक मुकम्मल दाढ़ी, एक मिसवाक, बस। हाँ बस ये दो चीज़ें याद रखो, क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाह आपकी मेरी मुलाकात होगी, मैं नबी के सामने कहूँगा या रसूल्लाह मेरे जुर्म न देखो, मैं बात तुम्हारी करता था, मैं तेरा पैगाम पहुँचाता था, मुझे न देख। हाँ आपने देखा है पैरस एक पत्थर है, जो लोहा तांबा पीतल उससे लग जाए सोना बन जाता है, वो पत्थर का पत्थर ही रहता है। हमें न देखो कि हम क्या हैं, डॉक्टर से हकीम से इलाज कराना हो उसकी कभी सेहत देखी है? पूछे जी आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, कहीं यरकान तो नहीं है? नहीं ना पूछते, कहते हमें सेहत चाहिए, तुम्हें सेहत चाहिए, बस मेरी दुआ भी है तमन्ना भी है और यही मेरी कोशिश भी है, अल्लाह करे रूहानी सेहत सबको मिल जाए। हजूर शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ जब मैं वुज़ू करके मस्जिद में हाजिर होया ना तो हजूर से आलमत उठ खड़े हुए और सीने से लगा के फरमाते हैं आज तो बड़ा सूफी आला वुज़ू किया है, बड़ा सूफी आला वुज़ू किया है, यानी आप इंतज़ार कर रहे थे ना, मैं भी बार बार देख रहा था तेरे देखने नू, मैं देखदा तू मेरे देखने देखता रहे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अर्श वाले की बात करता हूँ, वो फरमाता है कद नरा तकल्लुबा वजहका फिस समा, ऐ प्यारे नबी नमाज में जब तू ऊपर देखता था तेरे देखने को हम देखते थे। मेरा नबी क्यों देखता था? मेरा अल्लाह जिब्रील को भेजे और किबला बदल दे, अल्लाह फरमाता है फलाने वल्ले यन्नका किबला तंग तरदाहा, हम उस किबले को बदल देंगे जिसे तू पसंद करता है, जरा तू मुझे देख मैं तुझे देखूं। ये दुनिया का नक्शा है और क़यामत के दिन क्या होगा? मेरा रसूल सर सजदे में रख देगा, अपनी उम्मत की नहीं तमाम उम्मतों की शफात के लिए, उम्मतों की भी नहीं नबियों की शफात के लिए सर पर सजूद हो जाएंगे। एक दफ़ा अर्ज़ किया था इस फ़कीर के ज़ेहन में रब ने इल्का किया है, ये भी सजदा है, दुनिया वाला भी सजदा है, गारे सौर में किया, गारे हिरा में किया, काबे में किया, मस्जिद नबी में किया, बदर में किया, उहद में किया, हुनैन में किया, ताइफ में किया, जहाँ मेरा नबी गया सजदे करता चला गया। ये दुनिया वाले सजदे अबूदियत के हैं और मैदान माशर में सजदा मोहब्बत का और महबूबियत का होगा, वो सजदा कुछ और है, ये सजदे कुछ और हैं, उनके सजदे कुछ और हैं, तेरे मेरे सजदे कुछ और हैं, उलमा के सजदे और हैं, आरफीन के सजदे और हैं, उशाक के सजदे और हैं, जाहिदों के सजदे और हैं, इबादत गुजारों को सजदे और हैं, कारीबारी लोगों के सजदे और हैं। सजदे सजदे में बड़ा फ़र्क है। और एक बात कह दूँ, सकलैन की इबादत को जमा करो, जिन्नो इंस की इबादत को जमा करो, रब्बे मोहम्मद की कसम मेरे रसूल पाक के एक सजदा का मुकाबला नहीं हो सकता। मैदान माशर में जब सजदा फरमाएंगे मेरा रब फरमाएगा इरफा रासका इरफा, प्यारे आप तो सर उठाओ ना, यानी हमें देखो, नहीं समझे? मुझे देखो, सजदा ना करो, मुझे देखो, तुम्हारे सजदे कबूल हो चुके, अब देखने का वक्त है, सुनने सुनाने का वक्त है, मांगने और अता करने का वक्त है। सल तोता वशफा तो शफा, तुम मांगते जाओ हम देते जाएंगे, तुम शफात करो हम बख्शते जाएंगे। ये मकामी शफात है, ये मकामी शफात है, रब ने खुद दिया है, रब ने खुद दिया है। हजरत आज तो बड़ा लंबा वजू हो गया,
लंबा वुजू हो जाए तो तकरीर, लंबी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है जी? वुजू के लिए कोई वक्त मुतय्यन तो नहीं है ना, तो तकरीर के लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है खामखा डेढ़ बजे ख़त्म करनी है। शौक से बैठे ना, प्यार से बैठे हो, मोहब्बत से बैठे हो, माशाल्लाह। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं कि बला लौंडी वुजू कराने के लिए आई और इसकी पेशानी पर मेरी नज़र पड़ी, लिखा हुआ था कि ये बदबख्त है। हर आदमी की पेशानी पर लिखा होता है, दज्जाल की पेशानी पर लिखा होगा कि ये काफिर है। हजूर ने फरमाया काफिर नहीं पढ़ सकेगा, मोमिन पढ़ लेगा। तहरीर एक जैसी है लेकिन ईमान की कुव्वत होगी तो पढ़ लेगा कि ये काफिर है। जैसे भी काम दिखा रहा है काफिर नहीं पढ़ सकेगा। हर पेशानी पर लिखा है, हर पेशानी तेरी पर, मेरी पर, जैद बकर की पेशानी पर, आलिम जैद की पेशानी पर, नहीं पढ़ तो नहीं ना सकते। अगर लिख दिया बात वक्त तो फिर क्या करें? कोई नुस्खा है? इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। हर की आमद बद दरद खाली नरफ्त, गर्चे खाली बूद अज रोजे अलस्त। कुछ ऐसे हैं रब के दोस्त, ऐसे हैं रब के यार, जो हाथ उठाए तो बदबख्त नेक बख्त बन जाता है। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। वही है नेक बनाने वाला, वही है बद बनाने वाला। खैर शर उसी के दस्ते कुदरत में है। हजरत मैंने देखा तो आपकी लौंडी बदबख्त की, मैंने कहा वक्त का कुतबुल अकताब है और उसकी घर की खादिमा बदबख्त हो, ये तो बात मुनासिब नहीं। मैंने फिर लौह महफूज पर नज़र डाली, वहाँ भी लिखा हुआ था बदबख्त है। मैंने कहा जब तक ये एक नेक बख्त नहीं बनेगी मैं वुज़ू नहीं करूँगा। आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आपकी लौंडी अब नेक बख्तों में शामिल हो गई है। हर मुश्किल दी कुंजी यारो, हथ मर्दा दे आई, मर्द निगाह करन जिस वेले मुश्किल रह न काई। ऐसे मर्द ढूंढो, ऐसे मर्द ढूंढो। हर मुश्किल दी कुंजी यारो, एक आरिफ कह रहा है, एक आरिफ कह रहा है जिसे जमाने ने तस्लीम किया है। हर मुश्किल दी कुंजी यारो, हथ मर्दां दे आई, यानी रब ने अता कर दी है। ये शेर है, मैं हदीस सुनाकर फिर इजाजत चाहूंगा। मेरे रसूल पाक ने फरमाया रुब्बा अशासा अखबारा लो अक्सम अल्लाह लाबर रहू। खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया, आप फरमाते बार लोग ऐसे होंगे जिनके पाल परा गंदा होंगे, जिनका लिबास खाक आलूद होगा, लेकिन अगर वो कसम खा ले उनकी कसम को रब पूरा करके छोड़ेगा। करम तो वही फरमाता है ना, रब के बगैर तो दूसरा कोई रब नहीं। रब न चाहे कुछ हो नहीं सकता, रब न करे कोई कुछ कर नहीं सकता। पत्ता पत्ता हुक्म का ताबे है, जर्रा जर्रा ताबे है, कतरा कतरा ताबे है, सारा निज़ाम वही चला रहा है। लेकिन जब दोस्त अर्ज़ करते हैं फिर हमेशा रद्द नहीं करता, कभी कबूल भी फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। हारून रशीद की बात ख़त्म। वुज़ू हुस्न हाथ के धोने के बाद हारून रशीद ने पूछा, हजरत आपको मालूम है कि आपने आपके हाथ किसने धुलाए? फरमाया मैं माजूर हूँ, मुझे तो कोई पता नहीं आपके किसी खादिम ने धुलाए। फरमाया बगदाद का जो हाकिम है, खलीफा है, उसने हाथ धुलाए। वो हुक्मरान एक पहले पाकिस्तान को हुक्मरान गुजर चुका है, बदबख्त है वो, बदबख्त है। उसने उलमा की मजलिस में कहा था सबको तुम मुनाफिक हो, इसलिए मैं बदबख्त कह रहा हूँ। जो उलमा को मुनाफिक है वो खुद मुनाफिक है, बेईमान है, बदबख्त है, जलील और रुस्वा होगा आज भी और क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाह। जिनके जूते की तौहीन, फतावा आलमगीरी में लिखा हुआ है, उलमा के जूते की तौहीन इलम की वजह से जो करे वो काफिर शख्स है।
हजूर ने दुआ फरमाई, अल्लाह मेरे खुलफा पर रह फरमा। अल्लाह मरहम खुलफाई। साहबा ने पूछा, या रसूल खुलफा कौन है? फरमाया, वो मेरी उम्मत के उलमा है जो मेरे कायम मकाम में मेरा काम करेंगे। पहले नबी आते थे जाते थे, फिर और नबी आ जाता था, उनकी ड्यूटी ख़त्म हुई और नबी आ जाता था, उनका वक़्त ख़त्म हुआ और नबी आ जाता। नबियों के बाद नबी आते रहे, 1,25,000 नबी आए। जब आखिरी नबी आया, शान वाला आया, इज़्ज़त वाला आया, शख्स वाला आया, फजीलत वाला आया, शफ़ात का ताज पहन कर आया, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया और खातमुन नबियीन बनकर आया, रब ने सब दरवाजे नबुव्वत के बंद कर दिए। अब कोई नबी नहीं आएगा। अब ये दीन का काम आगे कैसे चलेगा? ये नबी की उम्मत के उलमा हैं जो वही काम करेंगे जो बनी इसराइल के अंबिया करते रहे। 1400 साल से तेरा दीन, कुरान और हदीस, फिका, ये किसने महफूज रखा है? कारोबारी लोगों के इसमें कोई हिस्सा नहीं, डॉक्टरों प्रोफेसरों के इसका कोई हिस्सा नहीं, हुक्मरानों के इसमें कोई हिस्सा नहीं, सलातीन वक्त के इसमें कोई हिस्सा नहीं। ये मस्जिद की चटाइयों पर बैठने वाले दरवेश रात दिन अल्लाह के नबी के हदीसों को याद कर रहे हैं, सुना रहे हैं और दीन आगे चलता जा रहा है। और याद रखो, जब तक ये मजलसें दीन की कायम रहेंगी, कहने वाले कहते रहेंगे, सुनने वाले सुनते रहेंगे, कोई अमल करेगा कोई सुस्ती करेगा, अल्लाह पाक मोहलत देता रहेगा, अजाब नहीं आएगा। मस्जिदों में बच्चे कुरान पढ़ते रहेंगे, घरों में बीवियां कुरान पढ़ती रहेंगी, मसल्ले बिछते रहेंगे, सजदे होते रहेंगे, दुआ के लिए हाथ उठते रहेंगे, किसी के आंसू बहते रहेंगे। खुदा की कसम, रब मोहलत देगा इस उम्मत को, अजाब अमूमी अजाब नहीं नाजिल फरमाएगा। इस मोहलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। चोर चोरी करता है, डाकू डाका डालता है, बदकारी करने वाला बदकारी करता है, रात के अंधेरे में क्या पता किसी को, रब तो देखता है, रब के इलम है, पकड़ ले, नहीं पकड़ता, नींद न दे, सारी रात बैठकर गुजारे, सुबह नाश्ता न दे, खा ही न सके, लुकमा निगल न सके, ऐसा तो नहीं करता। मेरा रब का करम है, मैं नाफरमानी करता हूँ, रात दिन करता हूँ और ठीक ठाक करता हूँ, मेरा रब खाना भी देता है, नींद भी देता है, आराम का मौके भी देता है, मोहलत भी दे देता है। आज नहीं, मेरा बंदा कल तौबा कर जाएगा, सुबह नहीं की शाम को करेगा, शाम को नहीं की सुबह को कर लेगा, जो बचपन में नहीं की जवानी में, जवानी में नहीं बुढ़ापे में कर लेगा, यहाँ नहीं की वहाँ कर लेगा। और अब मोहलत देता है, उससे खेलना, रब से खेलना, ये तो मुनासिब नहीं है। हारून रशीद ने कहा, जी मैंने आपके हाथ धुलाए। उस आलिम ने क्या जवाब में कहा? तूने इलम की कदर की, अल्लाह तेरी कदर में इजाफा फरमा। तूने इलम की कदर की, अल्लाह तेरी कदर में इजाफा फरमाए, बरकत अता फरमा। वो उलमा किधर गए? इंशाल्लाह अगर आप आते रहना तो मैं आपको सारी हदीस इलम से मुतल्लिक सुनाऊंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के आलिम को कैसा होना चाहिए, कैसे हजूर ने ताकीद फरमाई है। और उन उलमा की मेरे रसूल ने मुज़म्मत फरमाई है, और दोनों कान खोल कर सुन लो, उन उलमा की मेरे नबी ने मोहम्मद अरबी ने मुज़म्मत फरमाई है जो हुक्मरानों के दरवाज़ों पर जाते हैं दुनिया हासिल करने के लिए। यह किताब है मेरे पास, इंशाल्लाह मैं आपको वो हदीस भी सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, कोई देखना चाहे। और उलमा की मेरे नबी ने, मेरे नबी की नज़र बड़ी दूर तक काम करती थी, मेरा रसूल देख रहा था कि इलम भी होगा और भीख मांगने के लिए हुक्मरानों के दरवाज़ों पर जाएंगे, इनका पेट नहीं भरेगा, ये तंदूर गर्म रहता है। मेरे रसूल ने फरमाया, वो बदतरीन उलमा होंगे मेरी उम्मत। बेहतरीन कौन है? जिनके दरवाजे पर हाकिम वक़्त आए, इजाज़त तलब करे, हाकिम वक़्त आए, इजाज़त तलब करे। निज़ामुद्दीन औलिया बड़ी न्याज बेनियाजी से फरमा देंगे कि मेरे मकान के दो दरवाजे हैं, अगर अलाउद्दीन खिलजी एक दरवाजे से दाखिल होगा मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। कहाँ से लाओगे वो लोग?
एक दरवेश बुजुर्ग कामिल साहब कशो किरामत एक गार में मसूफ इबादत है, खादिम का दरवाजे पर बैठ पहरा दे, कोई अंदर ना आने पाए, आए हाय वो खलवत ढूंढने वाले कहाँ गए। आप तो खुश होते कि अखबार में तस्वीर आ जाए, कहीं बड़ा सारा पोस्टर लगा हो, हाँ जी बड़ा सपोर्ट, ऊपर हजरत दुआ फरमा रहे हो, मरीदन भी अल्लाह हिदायत दे, ये क्यों ऐसा करते हो? ये कोई मंडी का माल है? ये मोती है, मोती इन्हें छुपा कर रखो, ये मंडी का माल नहीं है। दरवाजे पर बादशाह आ गया पूरी शान और शौकत के साथ, कर रोफर के साथ, रोब दबदबे के साथ, मैं सारी सल्तनत का मालिक हूँ, ये दरवेश मेरी सल्तनत में रहता है, मैं आज मुलाकात करने के लिए आया हूँ। उस वो पहरेदार ने रोक दिया, हजरत अंदर नहीं जा सकते। अब ऐसे दरवेश भी नहीं रहे जिनमें इतनी जरूरत हो, किसी की खलवत में बगैर इजाजत दाखला मना। कुरान कहता है ना तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतकुम हत्ता तस्तानिसु व तुसल्लिमू अला आलिहा, पहले सलाम करके इजाजत तलब कर। बादशाह ने कहा जाओ अर्ज करो, वक्त का बादशाह आया है, उन्हें मेरी जरूरत नहीं, मेरी जरूरत नहीं। जो मुरीद पीर से जुलूस से बात करता है वो अकीदत में खोटता है। अब तो मॉडर्न अकीदत है और किस किस्म के फार्मी किस्म के मुरीद, फार्म का मुर्ग खा खा कर ना फार्मी बन गए, पता ही नहीं उसूलों का, न समझने की कभी कोशिश की है। और सच्ची बात करूं पीर भी तो दो नंबर है मेरे, एक नंबर वाले चले गए जिनकी पेशानियां सारी रात रब के जोर झुकी रहती थी, तजाफा जुनूब हम अनिल मदाजे, बिस्तर बिछा हुआ है, सर्दी की रात है, बारिश बरस रही है, ठंडी हवा चल रही है, पीर सब बूढ़े हैं, बिस्तर उधर है, ये इधर मुसल्ले पर पड़ा हुआ है। वो पीर है कि उनकी ज्यारत इन आंखों ने की है। और आप लोग मुझे देख लें, करीब हो गए ना, क्या फरमाया, तू मिलियो थे साजन मिलिया, हुण आसा लग पईआं, जिन्ना अखी दिल भर डिठा वो अखी तक लईआं। आए निस्बत है, निस्बत है आंखों में नू, इसलिए मेरे नबी ने फरमाया ला तो मुसन्नार और मुसलमान रानी और रहा मन रानी, जिस ईमान की नजर से किसने मुझे देखा उस पर भी दोज़ख हराम, जिसने मेरे देखने वाले को देख लिया उस पर भी दोज़ख हराम। ये ताबईन है, इन्होंने तो सरकार की ज़ियारत नहीं की, लेकिन जिन्होंने की है उनको इन्होंने देखा है। तू मिले होते साजन मिलिया, तू मिले होते साजन मिलिया, तू मिले होते साजन मिलिया, हूं आसा लग पईआं, जिन्ना अखी दिल भर डिठा वो अखी तक ली। ये वो लोग हैं जो रात दिन रसूल पाक दीदार करते हैं, और मेरा पीर जब तक अर्श नहीं देख लेता था तकबीर तारीमा नहीं बांधता था। मुझे एक पीर भाई ने अगले दोस्त वाकया सुनाया, कहने लगे आप उधर मुल्तान तशरीफ ले गए, हुजूर शेखुल इस्लाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्तान तशरीफ ले गए, वहाँ उलमा ने इस्तकबाल किया, नमाज का वक्त आया, अर्ज़ की हुजूर आप नमाज पढ़वाएं। जो किसी को नमाज का कहा जाए वो उसे इनकार नहीं करना चाहिए, उस मगर सलाहियत है, वरना आप नमाज नहीं पढ़ाया करते थे, पीछे पढ़ लिया कर। इस फकीर को भी आपकी इमामत का शर्फ हासिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तुम्हें मुबारक देता हूँ, तुम उसके पीछे नमाज पढ़ते हो जिसके पीछे औलिया किराम ने नमाज पढ़ी है। हजूर शेख उस्लाम के अलावा बहुत से बुजुर्गान ने दीन ने और अमान ने अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ गुजरात में मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने बड़ी नमाजें मेरे पीछे पढ़ी हैं, और गुजरात में उनके पाए का कोई आलिम आप नहीं आएगा। तो अलमान की हजूर आप नमाज पढ़ाएं, जिन लोगों ने देखा है याद है, सुबह साहब बैठे हैं मेरे साथी, हजूर जब तक भी तहरीमा कहते थे तो बड़ी देर लग जाती थी, बहुत देर लग जाती थी।
جب نماز سے فارغ میں تو نماز کی حضور تکبیر تحریمہ تو اتنی دیر میں ہو جاتی ہے، آپ نے بڑا وقت لگا لیا. علماء کو حق پہنچتا ہے، یہ علم کی بات پوچھ رہے ہیں، تنقید نہیں کر رہے ہیں. آج تنقید کا دور آ گیا، کالی داڑھی والا سفید داڑھی پر تنقید کر رہا ہے، تو کل پیدا ہوا تجھے کیا پتا علم کیا ہے؟ انہوں نے جن علماء سے علم حاصل کیا ہے تو اسی پر اعتماد کر کے یہ ہم سے آگے ہیں. بڑا عجیب دور آ گیا ہے. سچی بات ہے، اب تو اس دھرتی پر رہنے کو جی بھی نہیں چاہتا. نظام سارا بدل گیا، لوگ بدل گئے، اخلاق بدل گئے، علم بدل گیا، تحقیق بدل گئی، تقویٰ بدل گیا. اب تحقیق آ گئی کہ یہاں ہاتھ رکھ کر نہ اتنی داڑھی رکھو، یہ ایک نئی تحقیق آ. یہ تھوڑی سی نیچے بس کوئی آدھ انچ داڑھی، بڑی آسان ہے جی، بڑی آسان ہو گئی اب تو تمہارے لیے. میں کہتا ہوں یہاں تک تو پہنچو نا، آگے ہم لے جائیں گے. جو جد شریف پہنچ جائے اس کے لیے کعبے پہنچنا کوئی مشکل ہے؟ پر تم احرام تو باندھو، جہاز پر بیٹھو تو صحیح، لے جائے گا جد شریف. یہ نئی تحقیق آ گئی، اتنی سی داڑھی رکھو دور سے پتہ چلے کہ مرد ہے، ویسے پتہ نہیں چلتا کہ مرد ہے کہ عورت ہے. مونچھیں رکھی ہوں تو پتہ نہیں چل جاتا، شکل صورت سے نہیں پتہ چل. نئی تحقیق آ گئی. میری بات یاد رکھو، علم وہ قبول ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو، تقویٰ پر. انما یخش اللہ من عباده العلماء، جن کے دلوں میں خوف و خشیت ہے. صحابہ کو نظر انداز کر دیا، انبیاء کرام کو نظر انداز کر دیا، تبع تابعین کو نظر انداز کر دیا، ائمہ مجتہدین کو، غوث کتب ابدال اقطاب نجیب سب کو، شیخ القرآن شیخ الحدیث سب کو نظر انداز کر کے ایک اپنی نئی تحقیق پیش کر دی کہ بس تھوڑی سے نیچے دو انگل داڑھی ہو تو کام چل جاتا ہے. یہ ہماری نہیں ہے تحقیق. ہارون علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے تھے تو ہارون علیہ السلام کا کیا پکڑا تھا؟ گلا پکڑا تھا، بازو کیا پکڑا تھا؟ داڑھی مبارک. تو اتنی تو تھی نا کہ پکڑی جائے، اور ہاتھ بھی موسیٰ علیہ السلام کا جو اسرائیل کو لگا تھا تو آنکھ نکل گئی تھی. اس ہاتھ میں اتنی داڑھی تو ہو جو آ جائے، نہیں سمجھے؟ چلو یہ تو مسئلہ نہیں ہے نا زیر باس. یہ ویسے ایک ضمناً بات آ گئی کہ نئی نئی تحقیقات آ رہی ہیں جنہیں سن کر ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. علماء نے پوچھا، حضور آپ نے تکبیر تحریمہ بڑی دیر سے فرمایا، آپ لوگ نوجوان ہیں، صحت اچھی ہے، نظر تیز ہے، اللہ والے بات کرتے ہیں کسی سلیقے کے ساتھ، آپ لوگ کی نظر تیز ہے، آپ کعبہ جلدی دیکھ لیتے ہیں. میں بوڑھا ہوں، مجھے کعبہ دیکھنے میں ذرا دیر لگ جائے. ابھی پردہ رکھ گئے. انشاءاللہ ایک دن میں سناؤں گا حضور محبوب الہی کیا فرماتے ہیں. فقراء کی نماز اور ہے، علماء کی نماز اور ہے. علماء کی نماز اور ہے، فقراء کی صوفیاء کی نماز اور ہے. علماء قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، فقراء جب تک عرش الہی کو دیکھ نہیں لیتے تکبیر تحریمہ نہیں کہتے. کچھ مسافر دریا کے کنارے پر جمع ہو گئے، نماز کا وقت تھا. ایک بزرگ سے عرض کی کہ حضرت آپ نماز پڑھائیں. فرمایا، بہتر تھا کہ آپ میں سے کوئی نماز پڑھائے، میں پیچھے پڑھ لیتا. کہ نہیں حضور، آپ ہی فرمائے. اصرار کیا، فرمایا ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں. صف قائم ہو گئے، نماز شروع ہو گئی. نماز کیا شروع ہوئی، گھنٹہ تقریباً لگ گیا 3 رکعتوں پر. ہم تو عشاء کی 17 رکعتیں 15 منٹ میں نہیں 10 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. اتنی سپیڈ ہے ہماری، نان سٹاپ گاڑی جا رہی ہے، کہیں رکنے کا نام ہی نہیں لیتے. پیار سے نماز پڑھا کرو، محبت سے پڑھا کرو. اپنی نماز جو پڑھتے ہو خود اپنے کانوں سے سنا کرو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ اصل میں پڑھنا ہے کہ راج سے کہتے ہیں. تعدیل ارکان کے ساتھ بڑی دیر لگ گئی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو دوستوں نے کہا، حضرت بڑا وقت آپ نے لگا دیا.
फरमाया मैंने इसलिए कहा था कि आप नमाज पढ़ाए, मैं पीछे पढ़ लूंगा, आपने इसरार किया तो फिर मैंने नमाज पढ़ाई, इस तरह ही पढ़ा सकता था जिस तरह मैं पढ़ा करता हूँ। अर्ज की हुजूर आप कैसे पढ़ते हैं? फरमाया जैसे देखा है मैं ऐसे पढ़ा करता हूँ। अजर इसमें कौन सी आपने इतनी लंबी किरत हो गई, रकू में, सजदे में, कौमे में, जलसे में बड़ा वक्त आपने लगाया। सुभान रबी अलअज़ीम कहते हुए तो देर नहीं लगती, सर रखा एक सुभान रबी अलअज़ीम जाते हुए, एक सजदे में, एक उठते हुए, नमाज तो हो जाएगी ना, दुकान पर भी तो जाना है ना, हो सकता है गाह खा कर वापस चला जाए। पढ़ते नमाजें जेन उधर होता है। मैंने अपने अजीज को एक दिन कहा था कि जब नमाज पढ़ने के लिए आते हो तो जिस तरह वुजू ज़रूरी समझते हो, लिबास का पाक होना ज़रूरी समझते हो, किबला रुख होना ज़रूरी समझते हो, वक़्त का होना, ये सारी शर्तें, इस तरह नमाज के वक़्त दिमाग को भी खाली करना ज़रूरी समझा करो। फिर अभी भूलता नहीं है, ये बिलाल गंज अगर भरा हुआ है, कबाड़ खाना बना हुआ है, तो फिर तो ज़ाहिर है कई ख्याल, कई ख्याल। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि मैं तो बस इसी तरह नमाज पढ़ता हूँ। हज़रत ये कोई ख़ास नमाज है? फरमाया ख़ास समझो, आम समझो। असल बात ये है, मेरा रब के साथ कुछ ऐसा मामला है, हर गदारा बरदरत नाजे दिगर, हर गदागर की एक अपनी अल्लाह की जनाब में ख़ास हैसियत है, ख़ास शान है। मूसा अलैहिस्सलाम का साली की वजह से इस्तिस्का के लिए शहर से बाहर पूरी कौम को ला रहे हैं, आओ चलकर जंगल में जारी करें, गुनाहों की माफ़ी मांगे, बारिश नहीं बरस रही, और रास्ते में ही आप रुक गए, फरमाया यहाँ से वापस चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया। पूरी कौम ने कहा अदर कैसे हो गया, न दुआ मांगी, न नमाज पढ़ी, न जारी की, रब की जनाब में तो हमने अदर हाथ उठाए नहीं। आप फरमाते काम हो गया। फरमाया मैंने एक चींटी को देखा है, वो ज़मीन पर लेटी हुई है, टांगे उसकी ऊपर है, वही हाथ है, और वो बारिश की दुआ मांग रही है। रब उस चींटी की दुआ कबूल कर चुका है। हर गदारा बरदरद नाजे दिगर, हम क्या समझें, हम क्या समझें। बेहम युन सरूना, बेहम युन युर जकूना, बेहम युन तरूना, बुखारी शरीफ में अल्फाज हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से रिजक मिलता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से बारिशें बरसाई जाती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से मदद की जाती है। वो लोग छुपे हुए होते हैं, पर्दा नशीन होते हैं। अल्लाह अकबर, हजरत आप कैसे नमाज पढ़ते हैं? फरमाया मैं जब तस्बीह कहता हूँ ना, जब मैं तस्बीह कहता हूँ, खाय अल्लाह अकबर कहूँ, सब अल्लाह लिमन हमीदा कहूँ, सुबहान रबी अल अजीम कहूँ, सुबहान रबी अल आला कहूँ, जो भी तस्बीह कहता हूँ, जब तक उधर से कबूलियत का पैगाम नहीं है आता, मैं दूसरी तस्बीह नहीं कहता। जवाब आता है तेरे बंदे कबूल है, मैं फिर कह दूँ सुबहान रबी अला, कहता है कबूल है, फिर कह दूँ सुबहान रबी अला, कहता है कबूल है, फिर कह दूँ अल्लाह अकबर कबूल है। मेरी नमाज तो यूँ चलती है ना, फिर वक़्त तो लगना चाहिए। कहाँ हम कहाँ वो, कहाँ हम कहाँ वो, है ना फ़र्क है। फिर बराबरी का दावा नबी से करना, नबी के गुलामों के मुकाबले में भी हम खोटे हैं, खुदा की कसम, तो नबी की तो शान ही बड़ी आला है। एक तीर खा सकते हैं, कोई तीर मारे खा सकते हैं? नहीं, हमें तो मच्छर भी नमाज नहीं पढ़ने देता। आग में छोटा सा बाल आ जाए, बड़े परेशान हो जाते हैं, क्या हो गया या आला। तो फिर मैं तुझे नबी के यार की बात बताऊं, हजरत कतादा की आंख में तीर लगा था, आंख में क्या लगा, बाल का, हवा का झोंका आया, लोहे का तीर। दुश्मन ने यूं ही प्यार से छोड़ा फैला, पूरी कुव्वत के साथ छोड़ा था, हजरत कतादा की आंख में लगा, बेहोश होकर गिर नहीं गए। हम सब फार्मी हैं, अब फार्मी मुर्गों को देखा है, ऐसे सफर के दौरान देखते ना, ऐसा मालूम होता है कि वो अफ्यून खा कर चले हैं घर से ऊँगते हुए। तेरे अंदर क्या कुव्वत पैदा होगी, अगर छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ता है। गुजरा वाले के एक आलम है, मुफ्ती ईसा उनका नाम है, उन्होंने फतवा दिया है कि ये हराम है, ये फार्मी मुर्गा हराम है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो मुफ्ती नहीं हूं ना,
मैं गुजरांवाले के एक आलिम की बात कर रहा हूँ। देखो मुझे यकीन है नहीं छोड़ोगे। अब 3 बजे मैदा बिल्कुल खाली होता है वलीमे के लिए जब आप बैठे हैं जी, सुबह से नाश्ता किया हो, 3 बजे आप जब आपके सामने ट्रे आए और चांदी के वर्क लगे हों, बड़े अच्छे मिसाले लगे हों, और वो बेचारा मस्कीन अपने आप को पेश करे, फिर आप उसे कबूल क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ना। कोई नहीं फिर देखता कि हलाल है हराम है, मौलवी वहाँ बैठे हुए हैं उनके फतवे की क्या पड़ा, खाओ बिस्मिल्लाह करके खाओ सब ठीक है। और डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि जब आप डॉक्टर मिलकर बैठे हैं कभी इस पर गौर किया करो, बीमारियों के इलाज तजवीज़ करते हो, दवाएं नई से नई आ रही हैं, कभी इस पर भी गौर करो बीमारियों का असल सबब क्या है, सद्देबाब किया जाए। पंजाबी तो मुहावरा है कहने चोर न मार, चोर दी माँ मार के दूसरा चोर जमे ही नहीं है? भाई वक्त तो बड़ा आपका कीमती है ना, मसला समझाना मेरा फर्ज है। मैंने ये ड्यूटी जो मेरे जिम्मे हुई है ना बड़ी आम है। एक हदीस से पाक है, पता नहीं कब उसकी बारी आएगी तो सुना देता हूँ, अमल करना तुम्हारा काम है। एक जानवर है जिसे हदीस से पाक में जल्लाला फरमाया, जल्लाला लाम पर शब्द है, जल्लाला ये कौन सा जानवर है जिसके मतलब हजूर ने फरमाया न इसका दूध पियो न इसका गोश्त खाओ न इस पर सवारी करो? ये कौन सा जानवर है जिसे गंदगी खाने की आदत पड़ जाए? मसल गाय है, गंदगी खाने लग गई तो हजूर ने फरमाया उसका गोश्त भी न खाओ दूध भी न पियो, सवारी के लिए तो वो होती नहीं। अगर सवारी वाला जानवर है जैसे ऊँट है मसलन, ये गंदगी खाने शुरू कर दे तो हजूर ने फरमाया पर सवारी भी ना करो, क्योंकि इसका गोश्त इसका खून ये जिस्म जितना है वो गंदगी से नशो नुमा पा रहा है। हदीस पाक समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मौलवी अपनी तरफ से कोई बात नहीं करेगा, जो अल्लाह अल्लाह के रसूल करेगा उसकी बात आगे करेगा। मैं नबी पाक की बात कर रहा हूँ, इस हदीस पाक में इस किताब में हदीस मौजूद है। जल्लाला नाम याद रख लो, जल्लाला वो जानवर जो गंदगी खाने का आदि बन जाए, उसके जिस्म में बदबू होती है, उसका दूध भी पीने के काबिल नहीं, उसकी हड्डी भी इस काबिल नहीं कि उस पर सवारी की जाए। उस पर क्यास करते हुए उलमा ने कहा चूँकि ये जानवर ये मुर्ग फार्मी मुर्ग ये गंदगी खाता है कि नहीं खाता, बदबू आती है कि नहीं आती, कि खुशबू आती है, बदबू आती है, उससे इसका गोश्त परख पाता है। अब मैं डॉक्टरों से कहूँगा कि वो बीमारियाँ फैलाता है, खाए कोई न खाए उसकी अपनी मर्जी है जी, हमने तो बात समझा दी ना। अल्हम्दुलिल्लाह इस हलक से कभी लुकमा अंदर नहीं गए, ये चस्के खत्म, ये चस्का पॉइंट है ना, जैका पॉइंट है नहीं। क्या सोचना है ये चीज मेरे अंदर जाकर खून साले पैदा करे और वो खून नेकी पर मुझे उभारेगा। ये क्यों नेकी के लिए जिस्म तैयार नहीं होता? इसलिए कि इसकी गजा जो है वो मुअस्सर नहीं है, गजा अच्छी है। ये मुर्गी जो आप देसी घर में रखते हैं, अगर तो रही है घर में, इसका जूठा पाक है, अगर ये बाहर निकल जाती है, उसे अरबी में दो जाजा मुखल्लाद कहते हैं, वो घूमने फिरने के लिए सैर तफरी के लिए बाहर निकल जाती है, नालियों में से कीड़े मकोड़े खाती है, कभी गंदगी भी खा लेती है, फोकहा फरमाते मुर्गी वही है। उस मुर्गी ने घर से बाहर कदम नहीं रखा, ये मुर्गी बाहर भी चली जाती है। फरमाए जो घर में रहती है उसका जूठा पाक है, जो बाहर घूमने फिरने वाली है उसका जूठा मकरूह है। हुक्म क्यों बदल गया जी? खुराक की वजह से। अदब से कहूँगा, अदब से कहूंगा, माजरत से कहूंगा, जो बच्ची फातिमतुज़्ज़हरा की तरह घर में रहे वो युवायुतहिरुकुम तत्हीरा की चादर ओढ़ेगी, और जो बाहर जो जाजे मुखल्लात होकर फिरने वाली है वो फातिमा की सहेली नहीं हो सकती, फातिमा की गुलाम नहीं हो सकती, नबी के खानदान की गुलाम नहीं हो सकती। बात तो मैं खड़ी करूंगा ना, कोई माने न माने, जाने जा इख्तियार है, हम नेक बद हजूर को समझाए जाएंगे, माने न माने
जाने जा, इख्तियार है। हम नेक बद हजूर को समझाए जाएंगे। जिस चेहरे पर रसूलुल्लाह की नज़र पड़ी है और गैर महरम की नज़र नहीं पड़ी है, रसूलुल्लाह ने फरमाया ये जन्नती औरतों की सिरदार है। हूरुम मकसूरातुन फिल खियाम, कलमा पढ़ने वालों तुम्हारे हिस्से की हूरें जन्नत में आज भी मौजूद हैं। उनकी शान रफ फरमाता है, हूरुम मकसूरातुन फिल खियाम, खैमों में पर्दा नशीन हूरें हैं, फरिश्ते भी नहीं देख सकते। फरिश्ते भी उन पाक दामनों को नहीं देख सकते तुम्हारे हिस्से की हैं। जब जाओगे तो मिलेगी। अल्लाह ले जाए। واخر دعوانا ان الحمد لله